अस्सलाम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा रूहानी इलाज के लिए आना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो मदरसा फातिमा ज़हरा अल-बनात से मदद हासिल कर सकते हैं। आज का एक ख़ास अमल अपने प्यारे को पाने का, उनको दीवाना करने का, ताकि वो मरते दम तक आपका साथ दें, मरते दम तक आपका अपना बना रहे, कोई आपको छोड़ कर ना जाए, कोई आपसे नाराज़ ना हो, कोई आपको ब्लॉक ना करे, कोई आपको दुख ना दे। एक ख़ास अमल। अमल क्या? एक बेशभा कीमती ख़जाना जो अल्लाह पाक ने अपने कलाम रब्बी में रखा। आप भी तो उससे पढ़कर अल्लाह से दुआ करके तो मदद हासिल कर सकते हैं। अमल शुरू करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से शुरू करते हैं। क्या मैं तुम्हें जहन्नुम लोगों के बारे में बताऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर सख्त मिजाज, बद इखलाक, तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। अपने इखलाक को बहुत प्यारा बना लें, बहुत बेहतर बना लें। कोई भी आके आपसे जो भी बात करे, कोई भी हो, वो आपसे नाराज़ ना हो आपके इखलाक की वजह से, उनका दिल ना टूटे आपकी वजह से। बिस्मिल्लाह का एक ख़ास अमल फिर से, बिस्मिल्लाह होवल अलीयुल अज़ीम। ज़ुकात कोई भी नहीं, वक्त कोई भी नहीं, दिन के वक़्त किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। दिन आप दिन के वक़्त करें, रात के वक़्त करें, इसमें कोई पकड़ नहीं। दुरूद पाक 3 बार, नमाज की पाबंदी, अमल की तादाद 33 बार, अब पढ़ने का तरीका थोड़ा गौर से सुन लें। इस अल्लाह के कलाम को, बिस्मिल्लाह को 33 बार आपने पढ़ना है। पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें तैयार करनी होंगी। ये नक्श मुबारक है, ये नक्श को आपने कागज़ों पर लिखना है। इस तरह कागज़ पर, 3 कागज़ पर लिखना है। 3 कागज़ पर लिखकर आपने ये नक्श कागज़ पर 3 मरतबा लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाए नीचे। आपने जब आइन, ये आइन का 4 का मजमूआ है, आइन आइन, ठीक है, ये 4 का मजमूआ है, ठीक है। अलहुब फलां, आपका नाम, इब्ने फलां, आपकी वालदा का नाम, माँ का नाम, आला खुब, जिससे मोहब्बत रखते हैं, प्यार करते हैं, उसका नाम, इब्ने फलां, और आपके प्यार का नाम, ठीक है। नीचे महबूब मोहब्बत, महबूब हाजिर शू, मोहब्बत हाजिर शू, हाजिर शू भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ये ना भी लिखें, ठीक है। आप अगर ये नहीं भी लिखते तब भी हाजिर शू ही होगा, ठीक है। तो आपने हाजिर शो लिखना है। अब आपकी, आप जो बात मैं आपको समझाने लगी हूँ वो आपने गौर से देख लेनी है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है, मोहब्बत हाजिर शो, ठीक है जी। अब आपने ये नक्श 3 कागज़ों पे तैयार किए, ये अतर आपने लगाना है। ये अतर की एक, मतलब कि शीशी लगा लें आप, ले आएँ एक अतर का पैक लगा लें आप, ले आएँ, ठीक है। अब अतर को खोला, उसके ये निकाला, पिन को निकाला, या उसके अंदर एक रोल भी होता है, एक पिन भी होता है, तो फिर उसको ऐसे सारे पे लगा देना, नहीं तो हाथ के साथ भी लगा सकते हैं। ये अतर लगाना ज़रूरी है, नक्श के ऊपर अतर लगाएं। अतर लगाने के बाद अब पुड़ियाँ कैसे बनानी हैं, पुड़ियों का तरीका आप सुन लें। इसको 33 मरतबा पढ़ के अल्लाह के कलाम को, ठीक है, तो आपने चीनी लेनी है, चीनी, ठीक है, आपने चीनी लेनी है। चीनी, ये चीनी है, ये कलाम इसमें पढ़कर दम करना है। कितनी बार? 33 बार। चीनी पर पढ़कर इसकी 3 पुड़ियाँ पहले बनाएं, ठीक है। यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पहले 3 बनानी है। 3 बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि 3 दिन में काम हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 बनाने का मकसद ये है कि जब हस्बैंड वाइफ का मसला हो ना, फिर 7 पुड़ियाँ बनाना पड़ती हैं, ठीक है।
क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ हो चुके, उनका निकाह हो चुका होता है, तो फिर सात पुड़ियाँ पूरी ज़िंदगी के लिए बनानी पड़ती हैं, काफ़ी होती हैं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ सात दिन का अमल करेंगे, आप तीन दिन का अमल करेंगे, अगर आप अपने प्यारे को पाना चाहते हैं तो। अब ये चीनी दम करके ये नक्श इन कागज़ों पर लिख कर इनकी पुड़ियाँ बना लें, इस तरह जैसे ये पुड़ी बनी हुई है, जैसे ये इसको पैक कर लें, ठीक है, किसी भी तरह पैक कर लें, लाजिम नहीं आप ऐसे ही पैक करें, आप किसी भी तरह इसको पैक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह इसको आप पैक कर लें किसी तरह, जैसे मेडिसिन की पैकिंग होती है ना, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये पैक करें, अब ये जब आपने अमल ये चीनी पर दम कर लेना है, नक्श पर बना कर ये चीनी जो उनसी पुड़ियों में रख कर आपने दरख्त की जड़ में, यानी दरख्त जहाँ पर भी दरख्त होगा ना, वहाँ पर आपने डालनी है पहले दिन। अगर दरख्त नहीं है तो घर में जहाँ पर चूटियाँ आती हों, वहाँ पर परिंदे आते हों, वहाँ पर जहाँ पर भी आपको आसानी लगे, जैसे ही ये चीनी खाई जाएगी वैसे ही आपका मसला हल हो जाएगा, उसी वक्त आपका मसला हल हो जाएगा। अब जब आप ये सारा अमल दिन में कर लेते हैं, नक्श बना लेते हैं, पुड़ियाँ बना लेते हैं, चीनी रख कर दुआ कर लेते हैं, दरख्त की जड़ में डाल देते हैं, रात को सोते वक़्त, ठीक है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ अल्लाह का ये नाम पढ़ते हैं, अल्लाह का ये नाम पढ़ने के बाद दुआ करके सो जाते हैं। सुबह को आपने ये काम किया, रात को ये पढ़कर सो गए, सुबह फजर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम हो जाएगा फजर तक, क्योंकि ये अमलियात है, ये अमल है। अल्लाह के कलाम की ताकत आपको भी पता है क्या है, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, अपना यकीन कामिल रखा करें। जो लोग अपना यकीन कामिल ही ना रखते तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि उनका दिल मुतमईन नहीं होता। जब यकीन कामिल होगा तो आपका मसला भी हल हो जाएगा। तो आपने अच्छे तरीके से ना ये अमल करना है, अमल की जो तीन दिन ही अमल करें आपका मसला हल, बेशक आपका पहले दिन ही मसला हल हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन हो जाए, तीसरे दिन हो जाए, आपका मसला जैसे ही हल हो जाए, ठीक है, तो दो नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर लें आपका, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से आपका मसला हल हुआ है। जब हम अल्लाह को राज़ी करते हैं ना तो फिर रब भी हमारे साथ होते हैं, ठीक है। तो ये अमल आप लाजिम कीजिएगा इंशाल्लाह। कोई बात समझना है तो ज़रूर रब्ता करें, मैं मुझसे जहाँ तक हो सका मैं तो आपकी मदद कर ही रही हूँ, मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। परेशानी हो अल्लाह पाक खैर करेंगे, परेशानी हो ना हिम्मत नहीं हारें, इंसान हैं, रूठे भी हैं, उनके दिल में इतनी नरमी होती है कि अल्लाह पाक जुनसा है उनको आप तक पहुंचा दे। कोई रूठ भी गया ना तब भी आप तक पहुंच जाएगा, नाराज़गी से क्या होता है, थोड़ी देर नाराज़गी फिर ठीक, कोई तवील नाराज़गी होती है तो फिर ये अमल करे। वजीफ़ा नहीं बता रही मैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं आपको बता रही, मैं अमलियात की तरफ आपको लेके आई हूँ। बहुत से लोगों ने वज़ाइफ़ किए हैं, बहुत से लोगों के देख कर भी वज़ाइफ़ कर रहे हैं, यूट्यूब पर चले जाएँ, फेसबुक पर लोग वज़ाइफ़ बता रहे हैं, तरीका बताएं, समझाएं अमल कैसे करना है, पाक तरीका बताएं, सफली इलम गंदे इलम उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी जो उनसे ये बातें करके इंसान को काफिर बना देना, ये कहाँ का इंसाफ है, हम कहाँ के मुसलमान हैं। अल्लाह के कलाम से मदद हासिल करें, उससे बढ़ के कोई है, कोई भी नहीं है। जब रब राज़ी होगा ना सब चीज़ें आपके साथ जुड़ जाएंगी। गलत आमी लोगों से दूर रहें, गलत आमी लोगों से दूर रहें, अमलियात आमिल अल्लाह का वली अमल करने वाला पाक बंदा होता है। अल्लाह के कलाम से मदद हासिल करें जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी मसला परेशानी हो बहन को याद रखें, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी, जज़ाकअल्लाह खैरा। और ये मदरसा है याद रखें, इसका नाम फ़ातिमा तज़ाहरा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं, जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती, जज़ाकअल्लाह।